मंदिरें दे शहर जम्मू च तुसें सबने मेरा हिरखे परोसा नमस्कार। तुस सबे जम्मू वासी बड़ी किस्मत आले हो जे माता वैष्णो देवी दे चरणे च रबेऊ कर दे हो। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान एनएन वोरा जी, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी नितिन गडकरी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्रीमान आर के सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, राज्य विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, राज्य के मंत्री श्रीमान सुनील कुमार शर्मा जी, श्री नईम अख्तर जी, सांसद श्री जुगल किशोर जी, या उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी पुराने पुराने चेहरे हमारे चमनलाल जी समेत सबको मैं देख रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लिए आज का ये दिन बेहद अहम है। राज्य में ये मेरा आज चौथा कार्यक्रम है। आज सुबह से ही लेह लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, कश्मीर की घाटियों से होते हुए अब जम्मू की तराई तक विकास की बहती धारा को मैं देख रहा हूं। और इसी कार्यक्रमों के सिलसिले में ही मैं लेट भी हो गया, समय पर नहीं पहुंच पाए, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। लेह को शेष भारत से कनेक्ट करने वाली जोजिला टनल हो, बांदीपुरा का किसन गंगा प्रोजेक्ट हो, या फिर किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बनने वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का एक नया द्वार खुल रहा है। जम्मू कश्मीर की जलधारा आने वाले समय में यहां की विकास धारा को गति देने वाली है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करना तो दूसरे का शिलान्यास करना। आज का ये दिन अद्भुत और यादगार दिन बन गया। थोड़ी देर पहले मुझे जम्मू के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चार बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला। इसमें से दो माता वैष्णो देवी को समर्पित है। यहां भी पकलडूल प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया गया। ये कितना लाभकारी होने वाला है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जितनी बिजली आज जम्मू कश्मीर में पैदा कर होती है उसकी एक तिहाई इसी एक पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली है। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत बनाया जा रहा है। 1000 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। 8000 करोड़ की परियोजना यहां रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने वाली है। लगभग 2500 लोगों को तो सीधा सीधा रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहां के कोई सब्जी उगाने वाले होंगे, कोई दूध पर बेचने वाले होंगे, अरे हर प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए एक नया अवसर, नया लाभप्रद यह अवसर होने वाला है। साथियों, हमारी सरकार देश के विकास को लेकर
एक नई अप्रोच के साथ काम कर रही है। ये अप्रोच है आइसोलेशन टू इंटीग्रेशन, यानी देश के जो भी इलाके किसी भी वजह से अलग थलग पड़ गए, विकास की रोशनी जहां नहीं पहुंच पाई, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। और यही कारण है कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर जम्मू कश्मीर, हमारा प्रयास रहा है कि जितना अधिक हो सके, मैं अगर वहां पहुंच सकता हूं मैं खुद भी पहुंचने का प्रयास करता हूं। मुझे खुशी है, शायद पहले किसी प्रधानमंत्री को ऐसा अवसर मिला है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। राजनीतिक कामों के सिवाय शायद हूं मैं एक डजन से अधिक बार जम्मू कश्मीर आया हूं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। पहले तो खैर आप लोगों ने मुझे काफी दिन यहां रखा है, मेरा लालन पालन किया है आप लोगों ने। कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट के सूत्र पर हम काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी चाहे रास्तों के जरिए हो या फिर दिलों की, किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो इस राज्य को न्यू इंडिया का राइजिंग स्टार बनाने की ताकत दे। जरा भारत के उस मैप की कल्पना करिए जब देश का सरताज हीरे के मुकुट की भांति चमकेगा, और यही चमक बाकी देश को भी विकास की राह दिखाएगी। भाई और बहनों, किसी और इसी मिशन के साथ केंद्र सरकार राज्य की सरकार के साथ मिल करके हम कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, धरती पर उतार रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही जम्मू शहर को जाम मुक्त करने के लिए, यहां की ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए रिंग रोड का शिलान्यास किया गया। अगले 3 वर्षों में इस रिंग रोड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जब ये रिंग रोड तो बन जाएगा तो आप सभी जम्मू वासियों को और यहां आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। और आप देख लीजिए, जो लोग डेवलपमेंट की डिजाइन को समझते हैं, ये करीब 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रिंग रोड ये अपने आप में एक नया जम्मू बसा देगा। उसकी दोनों तरफ एक नया जम्मू बस जाएगा, यानी किस प्रकार से एक्सपांशन होगा, विकास कैसा होगा, मैं भली भांति इसको देख पाता हूं। इससे जम्मू शहर के भीतर और उसके आसपास लगने वाले ट्रैफिक जाम तो कम होना ही होना है, इतना ही नहीं, यह रिंग रोड पूंछ, राजौरी, नौशेरा और अखनूर क्षेत्र के सीमावर्ती और सामरिक क्षेत्रों में भी भारी मशीनरी ले जाने वाले सैन्य वाहनों के परिवहन को भी बहुत आसान बनाएगा। साथियों, आपका यह जम्मू शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है। यहां ट्रैफिक से लेकर सीवेज तक स्मार्ट व्यवस्था तैयार हो रही है। राज्य सरकार इस काम में जुटी है, केंद्र से इस काम में लिए पैसा भी स्वीकृत किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, विकास के लिए हमारा पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। हाईवे हो, रेलवे हो, वाटरवेज हो, हाईवेज हो, रोडवेज हो, ये सारे 21वीं सदी की अनिवार्यताएं हैं। सरकार की सोच स्पष्ट है, अगर 125 करोड़ देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है तो पहले उसको सरल और सुगम बनाना होगा। दूसरे शब्दों में इसको स्मार्ट व्यवस्थाओं का नाम भी आप दे सकते हैं। इसी सोच का परिणाम है कि आज
भारत माला प्रोजेक्ट के तहत देश भर में नेशनल हाईवे का जाल बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हो, पश्चिम भारत हो या नॉर्थ ईस्ट हो, देश को हाईवेज की लड़ी में पिरोने का ये प्रोजेक्ट है। इस साल के बजट में इस योजना के तहत बनने वाले लगभग 35,000 किलोमीटर रोड के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी इस योजना के तहत लगभग 2,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में यहां भी हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जम्मू को श्रीनगर और देश के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली हजारों करोड़ की कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है। जम्मू पूंछ, उधमपुर रामबन, रामबन बनिहाल, श्रीनगर बनिहाल और काजीगुड़ बनिहाल जैसे कई हाईवे प्रोजेक्ट्स आज उस पर काम चल रहा है और जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित होने वाले हैं। लगभग 15,000 करोड़ रुपए इन सड़कों पर खर्च किया जाना है। इसके अतिरिक्त गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है। बीते दो वर्षों में लगभग 1,00,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें इस योजना के तहत बनाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के गांवों में भी बीते दो साल में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बन चुकी है। साथियों, जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विशेष तौर पर यहां आस्था से जुड़े बड़े स्थान है, बाबा बर्फानी हो या फिर माता रानी का दरबार। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां जुड़ते हैं। आस्था से ओत प्रोत श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले और यहां की जनता को रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए अनेक प्रयास सरकार कर रही है। आज कटरा में माता के दरबार तक रेल पहुंच गई है। प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद ही मुझे इस रेल रूट का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। इस रेल रूट से माता के भक्तों को बहुत सुविधा मिली है। हम यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते, यही कारण है कि आज दो बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। एक माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है तो दूसरा माता के द्वार तक सामान पहुंचाने के लिए रोप वे। साथियों, माता के दर्शन के लिए अब श्रद्धालु ताराकोटा मार्ग से भी जा सकेंगे। कटरा और अर्धकुमारी के बीच पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये वैकल्पिक पैदल मार्ग है। इससे भीड़भाड़ से भी छुटकारा मिलेगा और मुझे बताया गया है इस मार्ग को 1.5 किलोमीटर के लिंक रोड के द्वारा मौजूदा पैदल मार्ग से भी जोड़ा जाएगा ताकि पैदल यात्री मंदिर तक यात्रा करने के लिए दोनों उपलब्ध मार्गों से किसी एक को चुन सके। माता रानी के भक्तों के लिए यह पूरी तरह से सुखद और सुरक्षित मार्ग है जिसमें उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। साथियों, वैकल्पिक मार्ग के अतिरिक्त माता के द्वार तक मटेरियल रोपवे का उद्घाटन का भी आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मटेरियल रोपवे के सहारे सामानों की ढुलाई कहीं ज्यादा आसान होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इन अनूठी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर
यात्रियों के लिए आसानी से खान पान की सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा। मंदिर के पास कचरे के प्रबंधन में भी इस रोपवे से बड़ी मदद मिलने वाली है। कटरा में मंदिर तक सामान जाएगा और वहां से वापसी में कचरे को लाया जाएगा। साथियों, मटेरियल रोपवे की तर्ज पर यात्रियों के लिए भी ऐसी सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा भवन भैरव घाटी बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इस रोपवे की क्षमता प्रति घंटा 800 लोगों को ले जाने की होगी। इससे बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को एक बहुत मदद मिलने वाली है। जब ये रोपवे पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा तो एक मार में 3 मिनट के भीतर 40-45 व्यक्तियों को ले जाया जा सकेगा। इस रोपवे सिस्टम में दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम भी होगा। श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए श्राइन बोर्ड जिस प्रकार से काम कर रहा है, उसके लिए मैं उसके अध्यक्ष जी को और उसके पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर से टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म से रोजगार बढ़ेगा। लेकिन रोजगार के लिए शिक्षा और कौशल विकास का रोल बहुत अहम होता है। केंद्र सरकार ने राज्य में शिक्षा से जुड़े बड़े संस्थानों को मंजूरी दी है। जम्मू में बनने वाला IIMA हो या IIT हो, ये संस्थान राज्य के लिए मिल का पत्थर साबित होने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 16,000 से अधिक छात्र छात्राओं को देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई है। भाइयों और बहनों, महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 4 वर्षों में ऐसी कई योजनाएं चलाई गई हैं जिससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक ताकत मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश भर में लगभग 9.5 करोड़ महिला उद्यमियों ने छोटे छोटे कारोबार के लिए बिना गारंटी को ऋण प्राप्त किया है। इसमें जम्मू कश्मीर की 50 लाख से अधिक महिलाएं भी शामिल है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत सरकार देश की गरीब माताओं और बहनों को धुआं मुक्त रसोई देने का प्रयास कर रही है, क्लीन कुकिंग। विशेष रूप से गांव की माताएं बहनें दलित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, ऐसे समाजों से आने वाली माताओं बहनों के लिए ये योजना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। देश भर में जहां लगभग 4 करोड़ मुफ्त में LPG कनेक्शन दिए गए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी 4.5 लाख से अधिक माताओं बहनों के रसोई तक भी उज्ज्वला पहुंच चुकी है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। यह सिर्फ स्वच्छता से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान का भी विषय है। जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें इस अभियान को लेकर कितनी जागरूक है, इसकी एक मिसाल हाल में ही देश और दुनिया ने देखी। मैंने खुद मीडिया में उधमपुर की 87 साल की बुजुर्ग माता के हौसले को देखा। ये माता इस उम्र में खुद एक एक ईंट को गारे से जोड़कर टॉयलेट बनाने में जुटी थी। ना किसी की मदद, ना कोई औजार, बस एक ही धुन है स्वच्छता के अभियान से जुड़ने की। साथियों, ऐसे प्रयास जब होते हैं तो हौसला और साहस अनेक गुना बढ़ जाता है। कहीं 5 वर्ष की बच्चियां इस अभियान से जुड़ रही हैं, तो कहीं 87 साल की माताएं जुड़ रही हैं।
इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता और सम्मान की भावना कितनी गहरी है। यही कारण है कि अब तक ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 80% से भी अधिक हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी इस योजना के तहत लगभग 8.5 लाख घरों में टॉयलेट बनाए गए हैं। साथियों, महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण तब तक अधूरा रहेगा जब तक स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं के कौशल विकास के लिए भी अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 5,000 महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट्स, टेलरिंग, एग्रीकल्चर और संबंधित व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। भाइयों और बहनों, 2 साल पहले जब मैं यहां आया था तब मैंने यहां के नौजवानों से, आप सभी से अपील की थी कि सरकार जो भी योजनाएं चला रही हैं उनका फायदा उठाइए। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यहां के नौजवानों ने इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य के लगभग 20 लाख लोगों ने बैंक में खाते खुलवाए हैं। इन खातों में आज की तारीख में लगभग 800 करोड़ रुपया जमा है। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो मेरे श्रमिक भाई बहन हैं, उनके लिए बनाई गई अटल पेंशन योजना में यहां के 40,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। कम प्रीमियम वाली 2 जीवन बीमा योजनाएं जो सरकार चला रही है उनसे राज्य के लगभग 9 लाख लोग जुड़े हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 3 करोड़ की क्लेम राशि भी दी जा चुकी है। साथियों, यहां के नौजवान सेना में भर्ती के लिए हमेशा आगे रहे हैं। परंपरा के मुताबिक ही सुरक्षा बलों में इस राज्य के नौजवानों को बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आर्मी, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंडिया रिजर्व बटालियंस द्वारा चलाई गई स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में 20,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई है। साथियों, ये डोगरों की धरती है, ये वीरों की भूमि है, यहां शौर्य भी है, संयम भी है, तो यहां मधुर संगीत भी है। यहां बासमती के खेतों से आती खुशबू भी है, तो आधुनिक कल कारखानों की गुंजाइश भी पड़ी है। हमारा संकल्प भी मजबूत है और रास्ता भी सही है। मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं कि मां वैष्णो के आशीर्वाद से और आप सभी के परिश्रम से ये राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू करके रहेगा, सिद्धि प्राप्त कर रहेगा। मिगी यकीन है, जय माता रानी तोले जय मिगी परते बुलाग, ते तुंदे कन्ने मिलने द सौभाग्य मिगी प्राप्त होग, तुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद।